आगे बिलासपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल हुए और जीत का फिर से दावा किया और कहा कि हम हर बूथ पर फोकस करेंगे, हर बूथ पर। अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता कांग्रेस की है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक अजीत जोगी कांग्रेस में थे तब तक कांग्रेस जीत नहीं पाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद है और बिलासपुर में आज संभागीय सम्मेलन में, सर आज योगी जी याद आया आपको? देखिए, योगी जी कांग्रेस में थे जब यहाँ हम लोग सम्मेलन किए, लेकिन वो पार्टी छोड़ के गए और लोगों ने ये कहा कि वो पार्टी छोड़े तो हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनाने उनका योगदान है, पार्टी छोड़ के नहीं जाते और अंदर में भीतर घात करके हमारा नुकसान होता है। सर आप बार बार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खुली, आपको लगता है देश में जो परिस्थिति है उसको, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो चुनाव को जीतने के लिए भी आपको लगता है कि प्रेम का जो हथियार है वो काम आएगा? देखिए, प्रेम इस देश की परंपरा है, कबीर के गीतों में देखें प्रेम, देखें गुरु नानक देव की बात है, सब हमारे नेता हैं, उन्होंने कभी नफरत के आधार पर आंदोलन नहीं किया, तो प्रेम की बात करते रहे तो प्रेम से ही सबको जोड़ा जा सकता है। अमित शाह का कहा कि पिछली बार आए थे 65 का टारगेट दिया था, इस बार अमित शाह आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि वो आपको किसका टारगेट? वो आ रहे हैं 22 तारीख को, पता चलेगा। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने बताया कि क्या जो है वो संभागीय सम्मेलन में हुआ। उन्होंने कहा कि जोगी जी जब तक थे तब तक कांग्रेस जीत नहीं पाई थी, उनके जाने के बाद कांग्रेस जीती। जाहिर तौर पर सम्मेलन में उन्हें अजीत जोगी भी याद आया। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजी, न्यूज़ 8 छत्तीसगढ़ रायपुर।